Sisters and brothers of America. Sisters and brothers of America, बस इन्हीं पांच शब्दों ने पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजियंस के लिए आए 7,000 लोगों को खड़े होकर 2 मिनट तक ताली बजाने पर मजबूर कर दिया, जिसका शोर आज भी स्वामी विवेकानंद के ज्ञान और आदर्शों की गवाही देता है। वही स्वामी विवेकानंद जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में बंधे हिंदुस्तान के युवा पीढ़ी को कहा था कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक तुम अपनी मंजिल को हासिल ना कर लो। और इस बात ने तभी हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों को अपने सपने को पूरा करने का हौसला और उम्मीद दिया और आज भी दे रहा है। पर वो कहते हैं ना, जिंदगी हर किसी का इम्तिहान लेती है, तो स्वामी विवेकानंद के भी कई इम्तिहान लिए। जिंदगी में उन्होंने दर दर की ठोकरें खाई, लोगों के ताने सुने, भूखे प्यासे दिन पर दिन गुजरे, पर हर दर्द को सहकर भी आखिर कैसे उन्होंने अपने मन और दिमाग पर काबू किया, कैसे उन्होंने अपने आप को टूट कर हार मनाने से रोका, आखिर क्या थी स्वामी विवेकानंद की कहानी, चलिए जानते हैं मेरे यानी हमारे आज के वीडियो द लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद जी। नंबर 1, द बिगिनिंग। 12 जनवरी 1863 में भारत की मिट्टी में वो जन्मे जिसने हमारे भारत की मिट्टी की, हमारे गौरव के इतिहास की, हमारे वेदों पुराणों की खुशबू दुनिया के आसमान तक पहुंचाई थी, और ये कोई और नहीं स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने कलकत्ता के बंगाली परिवार में जन्म लिया था। लेकिन इनके पिता विश्वनाथ दत्ता और माँ भुवनेश्वरी देवी ने बालपन में इनका नाम नरेंद्रनाथ दत्ता रखा था और सब इन्हें प्यार से नरेन बुलाते थे। और नरेन के इस परिवार को किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि जहाँ नरेन की माँ एक धार्मिक औरत होने के साथ साथ एक अच्छी बीवी का धर्म निभाती थी और घर की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करती थी, वहीं नरेन के पिता कलकत्ता के एक हाई कोर्ट में अटर्नी थे। और नरेन के दादाजी भी, जो संस्कृत और पर्शियन के महाज्ञानी थे, वो 25 साल की उम्र में ही अपने परिवार को छोड़कर साधु संत वाली जीवनी अपना चुके थे। यानी आध्यात्मिकता का और ज्ञान दोनों का ही नरेन के साथ संबंध उनके स्वामी विवेकानंद बनने से पहले ही जुड़ चुका था, और शायद यही वो वजह थी नरेन को बचपन से ही आध्यात्मिक चीजों में ही और नए नए चीजों को सीखने समझने में रुचि थी। उन्होंने अपने माता पिता से दूसरों को समझना, उनसे प्यार करना, उनकी मदद करना सीखा था, पर अमीरी गरीबी और हिंदू मुस्लिम का भेद उन्हें समझ नहीं आता था। जैसे एक बार नरेन ने अपने पिता के ऑफिस में रखे हिंदू के लिए अलग और मुसलमान के लिए अलग 2 सिगार के बॉक्स में एक एक करके सिगार निकाली और बारी बारी उन्हें पिया। अपने छोटे से बच्चे को ऐसा करते देख उनके पिता उन्हें कुछ कहते, इससे पहले नरेन बोले, मुझे तो हिंदू और मुस्लिम दोनों के सिगार एक जैसे ही लगे। जिसे सुनकर नरेन के पिता अपने बच्चे की सूझबूझ के आगे कुछ नहीं कह पाए, पर वो कहते भी क्या, बात तो नरेन ने 100% सच ही कही थी। और अगर फ्रेंड्स आपकी सोच भी इनके सोच के साथ मिलती है, तो स्वामी विवेकानंद के ऐसे इंस्पायरिंग और मन में उम्मीदों की आशा जगा देने वाले किस्से सुनना चाहते हो? और फ्रेंड्स ये तो बस एक ही किस्सा था उनकी जीवनी से, ऐसे कई किस्से उनके हैं जो आपको इंस्पायर करेंगे और मन में उम्मीदों की आशा जगा देंगे। और अगर आप अपनी जिंदगी में उन सिद्धांतों को अपनाना चाहते हो जिन्हें अपनाकर नरेन स्वामी विवेकानंद बनकर पूरी दुनिया के लोगों के दिलों को छू पाए, तो मैं पर्सनली आपको स्वामी विवेकानंद की ऑडियो किताब पढ़ने के लिए कहूंगा। इस ऑडियो बुक को आप पढ़ सकते हो कुकू FM ऐप में, जहां पर एक बहुत बड़ा सेल चल रहा है 50% ऑफ का। यानी आपको पेज पलटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप मल्टीटास्किंग करते हुए या अपने दिन के नॉर्मल काम करते हुए भी साथ में हेडफोन्स लगा के ऐसे सुन सकते हो और वो सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। अब फ्रेंड्स आई एम पर्सनली अ बिग बिलीवर कि आपको बुक्स रेगुलरली रीड करनी चाहिए या आपको बुक्स लिसन करना चाहिए। अब मेरे बिजी स्केड्यूल की वजह से मैं ज्यादा बुक्स रीड नहीं कर पाता, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा समय बुक्स सुनने में लगाता हूं, जो मैं आराम से मल्टीटास्क करते हुए, ब्रेकफास्ट करते हुए, नहाते हुए या इवन ट्रैवलिंग करते वक्त सुनता हूं। और सबसे बेस्ट न्यूज ये है कि अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे अगर क्लिक करोगे, तो आपको 199 रुपीस में इस ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसमें ऐसी अन्य किताबें हैं जिसे आप रेगुलरली सुन सकते हो। 1st, 2nd, और 3rd अक्टूबर को एक सेल चल रहा है जिसमें आपको 50% ऑफ मिल रहा है, यानी कि 399 रुपीज से सीधा 199 रुपीज में, यानी कि अबाउट 50 पैसा पर डे में आप इतना नॉलेज एक्वायर कर सकते हो। और फ्रेंड्स अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, थोड़ा वीक है, आप हिंदी लैंग्वेज या कोई और वर्नाक्यूलर लैंग्वेज में सुनना चाहोगे, तो ये बुक्स बिल्कुल रीजनल लैंग्वेजेस में बनी हुई है, और ये कुकू FM को डिफरेंशिएट कर देता है बाकी दूसरे कंपनी से, क्योंकि ये हिंदी लैंग्वेज में ऑडियो बुक्स बनाते हैं। सो अगर आपको भी बुक रीडिंग हैबिट कल्टीवेट करके
सारा नॉलेज गेन करना है देन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड गो डाउनलोड कुकू एफएम नाउ एंड यूज दिस कूपन कोड. अगर आप 3 अक्टूबर के बाद देख रहे हो ये वीडियो तो आप ये कूपन कोड यूज कर सकते हो फॉर 20% डिस्काउंट. नंबर 2, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी. अब अपने सच्चे मन की सच्ची सोच को लेकर नरेंद्र ने सन 1871 में 8 साल की उम्र में मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करने के लिए दाखिला लिया और फिर सन 1879 में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में अपनी पढ़ाई को जारी रखी. और बचपन से ही नरेंद्र म्यूजिक और पढ़ाई में बहुत ही अच्छे रहे थे. यही नहीं, इन दोनों ही जगह नरेंद्र को खुले विचारों को समझने और समझाने वाले लोग मिले, उनकी संगत मिली. जैसे मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में जब नरेंद्र पढ़ रहे थे तो वहां के हेड ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, वही इंसान जिन्होंने उस दौर में विधवाओं को दूसरी शादी करने की आजादी दिलवाई थी. लेकिन यही नहीं, अपनी सोच के दायरे को और बढ़ाने के लिए स्वामी विवेकानंद को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था. एक तरफ वो रिलीजियन, हिस्ट्री, गीता, रामायण जैसी किताबों को पढ़ रहे थे और दूसरी तरफ वो डेविड ह्यूम, जोहान गॉटलिब फिच्ट और हर्बर्ट स्पेंसर की वेस्टर्न फिलोसफी, हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी की किताब भी पढ़ते थे, जिसके चलते उनके मन में भगवान को लेकर बहुत से सवाल उठने लगे और शायद यही वजह थी वो अलग अलग मिशन और समाज में जुड़ रहे थे. जैसे केशव चंद्र सेन के नवा विधान, जिसका ये कहना था कि हर एक धर्म सच्चा है. ब्रह्मो समाज मिशन, जिसका ये मानना था कि अंधविश्वास में नहीं अपनी सोच पर विश्वास करो, एक भगवान को मानो और पूरे विश्व में सहनशीलता और भाईचारा फैलाओ. और तो और फ्री मेसनरी और वेस्टर्न इसोटेरिसिज्म यानी वेस्टर्न आध्यात्मिकता के मिशन में भी उन्होंने भाग लिया था. पर पढ़ाई के साथ साथ अपने उलझे मन के अनसुलझे सारे आध्यात्मिक सवालों का जवाब तो उन्हें श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद ही मालूम हुआ. क्योंकि जब नरेंद्र ने श्री रामकृष्ण से पूछा कि क्या आपने भगवान देखा है, तो श्री रामकृष्ण ने जवाब में कहा कि हाँ, मैंने देखा है. मैंने भगवान को बिल्कुल वैसे ही साफ साफ देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, केवल उन्हें मैंने और गहरे अर्थों में देखा है. और श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को भी भगवान से मिला दिया, जिसके बाद नरेंद्र ने उन्हें अपना गुरु मान लिया था. लेकिन उनके जीवन के इस एक पहलू में जहां उजाले की दस्तक हुई थी, वहीं दूसरी ओर सन 1884 में भगवान ने 21 साल के स्वामी विवेकानंद, जिनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी और वो अभी अपना बीए खत्म ही करने वाले थे, उनसे उनके पिता को छीनकर उनके जीवन में अंधेरा कर दिया. नंबर 3, ही लिव्ड इट हिमसेल्फ एंड अटेन्ड स्पिरिचुअल अवेकनिंग. दूसरों का दुख समझना आसान नहीं जब तक आप खुद उस दुख से ना गुजरे हो. और शायद नरेंद्र के स्वामी विवेकानंद बनने के लिए उन्हें जिंदगी के इस कांटों भरे सफर के पड़ावों को पार करना भी जरूरी ही था. मतलब अपने पिता के गुजरने के बाद नरेंद्र को पता चला कि गरीबी क्या होती है, भूख में बिलक कर उन्हें पता चला कि भूखा रहना क्या होता है, अपने परिवार के सर से कर्जे का बोझ उतारने के लिए जब उन्होंने नौकरी की तलाश की तब उन्हें पता चला कि एक ऑफिस से दूसरे और दूसरे से तीसरे ऑफिस तक दर दर भटकना क्या होता है, ठोकरे खाना क्या होता है. अपने जिंदगी के इस नए पड़ाव पर कोई उनका साथी नहीं था, उनके रिश्तेदारों ने तो जमीन के बंटवारे की लड़ाइयां शुरू कर दी और ऐसे में उनकी उम्मीद टूटने लगी थी. लेकिन उस वक्त उन्हें एक चीज साफ साफ समझ में आ गई थी और वो ये है कि इस दुनिया में गरीब और लाचार लोगों की कोई जगह नहीं है. और शायद वो इस लड़ाई में हार मान जाते, पर ऐसे में उन्हें श्री रामकृष्ण ने सहारा दिया और उनके भगवान पर से उठते विश्वास को बनाए रखा और उसे और भी ज्यादा मजबूत कर दिया. एक दिन जब नरेंद्र ने श्री रामकृष्ण से उनके लिए पूजा करने के लिए कहा, श्री रामकृष्ण ने उन्हें खुद जाकर पूजा करने की सलाह दी. और जब नरेंद्र काली माँ के सामने पहुंचे तो उन्होंने अपने तकलीफों का हल मांगने की बजाय उनसे विवेक यानी ज्ञान और वैराग्य यानी दुनिया की मोह माया से परे होने की मांग मांगी. और यही वो दिन था जब उन्होंने पूरी तरह आध्यात्मिक जागरूकता को पा लिया. इसके बाद वो दिन भर अपनी परिवार के लिए दो वक्त की रोटी जुटाने में लगे रहते, मगर रात होते ही वो सारे अपने गुरु श्री रामकृष्ण के पास जाकर वहाँ के शिष्यों को प्लेटो, एरिस्टोटल, बुद्धा और हेगेल जैसे लोगों के बारे में पढ़कर बताते. लेकिन जल्दी उनकी जिंदगी में एक और एक मोड़ आया जब 16 अगस्त 1886 में उनके गुरु ने भी इस दुनिया को छोड़ दिया. नरेंद्र एक बार फिर अकेले पड़ गए थे, लेकिन इस बार उनके ऊपर बाकी शिष्यों की जिम्मेदारी भी थी और इसीलिए उन्होंने इन शिष्यों के साथ ही रहना शुरू कर दिया. और जहां ये रहते थे आगे जाकर यही जगह रामकृष्ण मठ कहलाई जाने लगी. और फिर सन 1886 में उन्होंने मठ को छोड़कर भारत के कोने कोने में जाकर लोगों को समझना, उनकी परेशानियों को समझना स्टार्ट किया और ये कसम खा ली कि वो अपने देश के सभी लोगों की भलाई के लिए अपना जीवन कुर्बान कर देंगे, पर उनकी तकलीफों को हर हाल में दूर करके ही रहेंगे. कोई समझौता नहीं,
यह आदर्श है जिसे आगे बढ़ाना ही होगा। अगर हम राजा से मिले तो हमें उसे अपनी थोड़ी सी बुद्धि देनी चाहिए, अगर किसान से मिले तो उसको भी। नंबर 4, द वर्ल्ड केम टू नो हिम। और इसी तरह 5 साल लोगों के लिए अपनी जिंदगी का कीमती समय देते हुए, लोगों की मदद करते हुए कैसे बीता, खुद स्वामी विवेकानंद को भी नहीं पता। जिसके बाद एक दिन उन्हें शिकागो में होने वाले वर्ल्ड्स कोलंबियन एक्सपोजिशन के पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस के बारे में पता चला, और स्वामी विवेकानंद ने वहां जाकर भारत को, हिंदुत्व को और अपने गुरु श्री रामकृष्ण की फिलोसफीज को, उनके वेदांता को लोगों के बीच रिप्रेजेंट करने के बारे में सोचा। वेदांत के सार को हम इस एक लाइन, अहम ब्रह्मास्मि त्वम च, से समझ सकते हैं, जिसका मतलब यही है कि भगवान और इंसान एक ही है। जैसे हिंदुइज्म, इस्लाम या क्रिश्चियनिटी जैसे धर्मों में गॉड सेंटर्ड अप्रोच होता है, हम भगवान को ढूंढते हैं, उनकी पूजा करते हैं, पर वहीं बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे धर्मों में भगवान को ढूंढने की बजाय खुद के अंदर छिपे सच को ढूंढा जाता है, यानी ये ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच होता है। और वेदांता वही धर्म है जो इन दोनों को, गॉड सेंटर्ड अप्रोच को और ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच को, एक कर देता है। यानी जब हम भगवान को ढूंढते हैं तो हमें आखिर में हमारे अंदर का सच मिलता है, और जब हम हमारे अंदर का सच ढूंढते हैं तो हमें भगवान मिल जाते हैं, क्योंकि दोनों तो एक ही है। और यही समझाने स्वामी विवेकानंद 31 मई 1893 के दिन शिकागो के लिए निकले, जिसके लिए उनके शिष्यों ने जैसे तैसे पैसे जुटाए थे। और पता है, इसी समय स्वामी विवेकानंद को अपना ये नाम मिला था जो उन्हें खेतरी के महाराजा अजीत सिंह ने दिया था, जिसका संस्कृत में मतलब होता है विवेक यानी ज्ञान, और आनंद यानी कि सुख। और इसके पहले स्वामी विवेकानंद अपने आप को सच्चिदानंद बुलाया करते थे। अब बात करते हैं उनके शिकागो के सफर पर, जो जापान, चाइना, कनाडा से होते हुए, और फिर कई लोगों के उनके स्पीच ना दे पाने की कोशिशों का सामना करने के बाद 11 सितंबर 1893 में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस के मंच पर जाकर खत्म हुआ। और जब उन्होंने मेरे अमरीकी भाइयों और बहनों कहकर अपने स्पीच की शुरुआत की, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो वहां मौजूद 7,000 लोगों ने उन्हें 2 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन दिया और तालियां बजाते रहे। उन्होंने वहां वेदांत के सिद्धांतों और हिंदुत्व के बारे में लोगों को बताया। उस जमाने के द न्यूयॉर्क क्रिटिक पेपर में स्वामी विवेकानंद की स्पीच के बारे में कुछ इस तरह लिखा हुआ था, कई लोगों ने बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन एक हिंदू साधु जैसा कोई नहीं बोल सका। उन्होंने ये भी लिखा कि वो उनका पूरा भाषण छाप रहे हैं, लेकिन जो असर वहां मौजूद लोगों पर हुआ था उसे शब्दों में बयां कर पाना असंभव है। और स्वामी विवेकानंद के इस भाषण के बाद वो रुके नहीं। उन्होंने अगले 4 सालों तक US और UK में अपनी फिलॉसफी, अपने बिलीफ्स पर भाषण दिए और लोगों को जागरूक करने की कोशिशें की। इसी दौरान उन्होंने वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क की भी स्थापना की थी। और इसके बाद जब 1897 में वो भारत लौटे तो उन्हें भारत के लोगों का प्यार और सत्कार दोनों ही मिला। कलकत्ता तक कई भाषण देते हुए पहुंचने के बाद स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को बेलूर मठ के पास रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की, जिसका एकमात्र उद्देश्य यही था लोगों को कर्म योग के आदर्शों पर जीना सिखाए और उनकी मदद की जाए। इसे समझाने के लिए स्वामी विवेकानंद ये भी कहते थे कि तुम फुटबॉल खेलकर स्वर्ग के ज्यादा निकट होगे बजाय गीता के अध्ययन करने के। मतलब ये नहीं कि वो गीता को पढ़ने से मना कर रहे थे, असल में उनका मानना ये था कि सिर्फ गीता को रटने से कुछ नहीं होगा, अगर उसकी जगह तुम फुटबॉल खेलते हो तो तुम कर्म करते हो, और कर्म करना सिर्फ गीता रटने से बेहतर होता है। इसके अलावा छू अछूत को खत्म करना और इंटरकास्ट मैरिज को भी उन्होंने उतना ही सपोर्ट दिया जितना उन्होंने अपने देश के नव युवाओं को आगे बढ़ने के लिए और कुछ कर दिखाने के लिए किया। लेकिन इस सब के बीच एक बुरी खबर आई, जब 39 इयर्स की उम्र में उन्हें यह पता चला कि उन्हें अस्थमा हो गया है, और ऐसे में उनकी सेहत दिन ब दिन खराब होने लगी। बेलूर मठ में रहते हुए उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि वो 40 साल तक भी शायद नहीं जी पाएंगे। इसी के चलते उन्होंने अपने मठ के बड़े साधु को ये बता दिया कि उन्हें अपना अंतिम संस्कार उसी मठ के जमीन में करवाना है। सभी लोग उनके लिए बहुत ही दुखी थे, पर होनी को कौन टाल सकता था। और बस देखते ही देखते 4 जुलाई 1902 में स्वामी विवेकानंद जी इस दुनिया से चले गए। कुछ पीछे छोड़ गए तो वो थे उनके सिखाए आदर्श, जो आज भी भारत के लोगों के दिलों में जिंदा है और आज भी लोगों को एक बेहतर कल, एक बेहतर जीवन और एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दे रहा है।
एपीजे अब्दुल कलाम ने स्वामी विवेकानंद के बारे में एक स्पीच में कहा था कि स्वामी विवेकानंद का कहना था कि मेरा नाम बड़ा नहीं होना चाहिए, मेरे विचारों को मैं बड़ा बनाना चाहता हूँ, जिससे लोग इसे समझे और इसका पालन करके एक सुखी जीवन बिताए। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने दुनिया के नक्शे पर हिंदुत्व का झंडा लहराया और अंतिम समय तक ये लोगों की सेवा ही करते रहे। अब फ्रेंड्स, अगर आपको भी इनके लाइफ से कुछ नया सीखने मिला है तो एक लाइक जरूर ठोकना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आप आगे भी देखना चाहोगे तो अभी सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल गेट सेट लाइफ फैक्ट को और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ऑलवेज का ऑप्शन ऑन करके, ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। With that said, as always, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद।